प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएड प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। गोरखपुर एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, डॉक्टर राजवंत राव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, उत्तर पुस्तिकाओं के रख रखाव और उसकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं, जिससे पेपर आउट जैसी घटना ना घटित हो सके। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए, सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाना आवश्यक किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीएड परीक्षा को शुचिता के साथ सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। उनको हम कर सकते हैं, विश्वविद्यालय हो, राजकीय महाविद्यालय हो, या आईआईटी या आईटीआई का किसी का अन्य सरकारी क्षेत्र हो, उनको हम परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यह शर्त एक है कि हम भविष्य देख लेंगे कि सीसीटीवी कैमरा, राउटर, वॉइस रिकॉर्डर, डीवीआर के साथ राउटर हो, इन सारी चीजों की व्यवस्था को हम पहले से सुनिश्चित कर लेंगे। क्योंकि इस समय हम एक कोरोना के संक्रमण काल में चल रहे हैं और स्थितियाँ हमारे दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं, इसलिए परीक्षा के संदर्भ में जो हम संपादित कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ख्याल रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चाहे परीक्षार्थी हो, चाहे अध्यापकगण हो, चाहे व्यवस्था में लगे कर्मचारीगण हो, मास्क लगा के जरूर आएंगे। परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजर का सैनिटाइजिंग कराने के साथ साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग हो, और ये सारी चीज़ों को हम अपने यहाँ पर देखेंगे। और जिन जनपदों में 20 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं, उनमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ही नोडल कोऑर्डिनेटर नामित किया जाना होगा। ये कुछ अपेक्षाएँ आप सब से है कि हमारा प्रत्येक केंद्र पर कक्षों में फर्नीचर हो, वहाँ पर दीवार चार दीवारी चारों तरफ हो और टॉयलेट वहाँ पर बने हो, और परीक्षा से संबंधित कर्मी मास्क लगाकर आए हैं। ये एक समान सी प्रक्रिया जो परीक्षा केंद्रों के बारे में है वो आप सबको हम बताना चाहेंगे। पेपर किसी भी कीमत पर लीक नहीं हो, इसके लिए विशेष सुरक्षा करके रखेंगे। हमारी पेपर स्लिप को बाहर से लिखने का जिस प्रकार से नकल का गिरोह, माफिया गिरोह सक्रिय होता है, वो ना होने पाए, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिलाधिकारीगढ़ से मैं कहूँगा कि सभी परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर करेंगे, और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बल की स्थापना के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्तियाँ जरूर करेंगे। और जिलाधिकारीगण अपने अधिकारियों के साथ अगर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण एक दिन पूर्व भी कर लें, और जिस दिन परीक्षा हो उस दिन एसएसपी और डीएम के द्वारा परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कार्य अगर किया जाता है तो एक पारदर्शिता और शुचिता की स्थापना इसमें होगी। जिला विद्यालय निरीक्षकगण है, ऑब्जर्वरगण है, जो हमारे जिला अधिकारीगण है, वो इसकी व्यवस्था के साथ आपस का कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब परीक्षा के लिए जितनी भी तैयारियां होती हैं, जो मैंने सावधानी बताया कि सीट को बदलने की कभी कभी कार्रवाई तो लोग करते हैं, कभी कभी सीट को बाहर से लिख कर अंदर बदलने की कार्रवाई लोग करते हैं, कभी कभी परीक्षा केंद्र में जमा कराने के बाद सीट को और जो डिपॉजिट करने के लिए जहाँ पर संकलित करने के लिए भेजा जाता है कॉपियों को, तो बीच रास्ते में उसको बदलने का काम करते हैं। यानी परीक्षा का जो आपका कलेक्शन सेंटर होगा वहाँ से लेकर और परीक्षा केंद्र तक पूरी सावधानी बरतनी है। सीसीटीवी कैमरे में कॉपी आएगी, सीसीटीवी कैमरे में पेपर आएगा, सीसीटीवी कैमरे से आपकी कॉपियाँ और जो पेपर है उसको निकालने का काम आपके संकलन केंद्र से होगा। इन सारी चीज़ों को आप भली बात निरीक्षण करते रहें। आगरा
मैं नाम ले रहा हूँ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी में काफी अधिक संख्या में केंद्रों की आवश्यकता दर्शाई गई है।